Yeah.
जाएंगे, सुअर बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी भेड़ बनोगे, कभी बकरी बनोगे, कभी रोड पे चलते हुए कीड़े बनोगे, तो कभी नाली के कीड़े बनोगे। भजन करने के बाद मरोगे तो फायदा ये होगा कि मिटे जन्म मरण की खुमारी आ रही, वो झंझट ही खत्म हो जाएगी। फिर एक ही शरण में जाओगे और वो है भगवान की शरण। क्योंकि ये संसार कहते हैं मानुष तन दुर्लभ है भाई, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिला है तो व्यथा इधर उधर मत भटको। क्योंकि एक बार अगर ये समय चला गया ना महाराज, आप क्या सोच रहे हो अगर मर गए तो फिर इंसान बनोगे? नहीं, फिर चौरासी भोगनी पड़ेगी। इसलिए एक बार मनुष्य तन मिला है, इसका सदुपयोग करो। क्यों? गया वक्त नहीं आवे दूजी बारी आरे, एक बार जाने के बाद वक्त वापस वैसा नहीं आता। आज अगर कथा का दूसरा दिन है तो आज दूसरा रहेगा, कल तीसरा ही है, कल आपको दूसरा नहीं मिलेगा। आप जो चीजें आप सुन रहे हो, आप सोचो कल भी आपको वो सुनने को मिल जाए तो कल नहीं मिलेगी। कल जो लोग आए थे, कल जो लोग नहीं आए उनको कल की बातें सुनने को नहीं मिली। आज जो लोग नहीं आए उनको कल आज की बातें सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि गया वक्त नहीं आवे दूजी बारी आवे, वापस वो समय नहीं आता। वापस बचपन आता है क्या? वापस जवानी आएगी क्या? नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो। कहते हैं ये संसार सारा ये तमाशा, ये संसार सारा ये तमाशा, ये संसार सारा ये तमाशा, ये संसार सारा ये तमाशा। फिर नहीं आवणी की है आशा।
तैयारी क्यों नहीं कर रहे? अरे दो चार दिन भी कहीं शादी विवाह में जाना रहता है, दो चार दिन अगर कहीं शादियों में जाना है तो तैयारी करते हो कि नहीं? अरे मेहंदी की साड़ी अलग रखनी है, हल्दी की साड़ी अलग रखनी है, महिला संगीत का ड्रेस कोड ये होना चाहिए, हाँ रिसेप्शन की अलग रखनी है, हाँ करते हो कि नहीं? अरे चूड़ी ये वाली नहीं, चूड़ी वो वाली रखनी है। अरे राजपूती पहननी है तो बोर भी चाहिए, चूड़ा भी चाहिए। अरे चार दिन की जब शादी में जाते हो तो आप इतने बड़े बड़े बैग लेके जाते हो, तैयारियां करते हो कि नहीं? दो महीने पहले कि मेरे भाई की शादी है, कि मेरे मामा की शादी है, कि मेरे चाचू की शादी है। जब अपने घर की शादियों में जाने से पहले दो महीने पहले तैयारी करते हो, अरे तो जहाँ परमानेंट जाना है, जहाँ की टिकट भी कंफर्म है, वहाँ जाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? सर पर काल खड़ा करो तैयारियां रे। कहते हैं बालपना जी बीमारी आ रही है।
भजन कर लो। केवे संसार में अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा मेरे को सुखी रखेगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा, या ये धन जो इतना है इसके कारण मैं सुखी रहूंगी, या मेरे पति के कारण मैं सुखी रहूंगी, तो ये सब एक माया है। कहते हैं सुख धन दान मीत पिया। मीठे जन्नत